अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूसी प्लेयर्स गेम को कैसे खेलना है और इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे जो है पेमेंट जो है वो पे करनी है और कैसे रिसीव करनी है। दोस्तों यहाँ पे जो है होम पेज के ऊपर एक लिस्ट शो हो रही है टूर्नामेंट्स की, तो आप जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिस टूर्नामेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अंदर जो है आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ये अप्लाई नाउ का बटन है और यहाँ पे आप क्लिक करने पे जो है आपको एक बॉक्स शो होगा। उससे पहले जो है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो ऊपर शो हो रहा है ये टूर्नामेंट का टाइटल है और इसके अंदर जो गेम खेली जाएगी वो गेम यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे रिजल्ट्स हैं कि कौन सा प्लेयर जो है विन कर रहा है, कौन सा प्लेयर जो है वो यानी कि एक विनर्स की एक लिस्ट होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस है कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ अभी तक, और यहाँ पे इंट्री फी है। तो दोस्तों आपने जो है इंट्री फी पे करनी है और आईडी सेंड करनी है, उसके बाद जो है आप इस गेम को खेल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो है मैंने पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया, मैंने इजी पैसा सिलेक्ट किया और इस नंबर पे जो है आपने ये अमाउंट जो एंट्री फी है इस टूर्नामेंट की, यहाँ पे ये 100 रुपीज़ है, तो ये आपने पे करनी है। पे करने के बाद जिस मेथड से आपने पे की है, इजी पैसा के ज़रिए फ़िलहाल जो है आप पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है और भी मेथड्स आएंगे, लेकिन फिर वक्त जो है आप यहाँ से इजी पैसा के ज़रिए पे कर सकते हैं। इस नंबर पे आपने जो है पेमेंट सेंड करनी है और उसके बाद उस पेमेंट की जो आईडी होगी, जो भी आईडी होगी वो पुट करनी है। रॉन्ग आईडी पुट करेंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट जो है अप्रूव नहीं होगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को जो है सबमिट करता हूँ, तो सक्सेसफुली जो है पेमेंट आईडी सेव हो चुकी है और अब ये जो स्टेटस था इसका वो अप्लाइड में आ रहा है, तो अब अप्लाई कर चुके हैं। तो 24 आवर, एक दिन के अंदर अंदर आपका जो ये रिक्वेस्ट है ये चेक हो जाएगी कि ये रियल आपने सेंड की है या नहीं की, और यहाँ पे आपको प्ले का बटन जो है वो शो होगा। तो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो उसी वक्त भी जो है वो अप्रूव हो सकती है। तो अभी मैं इसको पहले अप्रूव करता हूँ और फिर यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे प्ले का बटन आ जाएगा। तो मैंने अप्रूव कर दिया रिक्वेस्ट, अब यहाँ से जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे जो है प्ले का बटन शो हो रहा है। तो मैं प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है यहाँ पे इस तरह का बॉक्स शो होगा, तो प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ और गेम को खेल भी सकता हूँ। तो मैंने प्ले के बटन पे क्लिक किया है तो ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं। अच्छा, ऊपर जो है वो टाइम चल रहा है, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये प्लस माइनस का आपने आंसर देना है। तो जो बंदा सबसे कम टाइम टाइम में ये चीज़ें सॉल्व करेगा, मैं एक सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आंसर इसका जो है 16 आता है, तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये 12-13 बॉक्सेस हैं जो आएंगे, तो जो बंदा सबसे कम टाइम में इसको जो है वो सॉल्व करेगा वो जो है जीतेगा। ये एक गेम है, मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो दे सकूँ। ये इसी तरह चलता रहेगा, -3, उसके बाद यहाँ पे -2, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -6, और इसका आंसर क्या आएगा, -3, उसके बाद -4, उसके बाद 13। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने टाइम सेंड करना है या ट्राई अगेन। तो जब तक इस टूर्नामेंट की डेट है आप टाइम सेंड कर सकते हैं, इस गेम को खेल सकते हैं, और जो आपका सबसे कम टाइम होगा वो काउंट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइम सेंड करता हूँ, तो सक्सेसफुली टाइम सेंड हो चुका है, तो आप दोबारा खेल सकते हैं। तो जो आपका सबसे कम वाला टाइम होगा वो काउंट होगा। और अगर अब मैं जाऊं इसके रिजल्ट्स में, यहाँ पे मैं जाऊं तो यहाँ पे अभी एक ही प्लेयर है तो उसका टाइम शो हो रहा है विनर लिस्ट में। यहाँ पे विनर लिस्ट में सिर्फ 3 बंदों का नेम शो होगा, यहाँ पे जो प्लेयर्स हु आर प्लेइंग
तो जो खेल रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी, लेकिन टॉप जो प्लेयर्स होंगे जिनको प्राइजेस मिलेंगे वो ऊपर वाली लिस्ट में शो होंगे। इसी तरह मैं आपको जो है सेकंड गेम खेल के दिखाता हूँ, ये मैजिक सर्कल्स है, मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ इजी पैसा, और अब जो है मैं इसको सेंड कर देता हूँ, और दूसरी तरफ क्योंकि मैं अभी सर्वर पे ही बैठा हूँ तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। तो मैंने इसको अप्रूव कर दिया रिक्वेस्ट को, अब जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो बटन लगा हुआ है ना सर्कल सा, इससे आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, प्ले के बटन पे जाता हूँ, तो अब क्या होगा कि ये जो सर्कल हैं ये अब सेकंड टूर्नामेंट की गेम है, ये सर्कल 10 सेकंड्स के लिए शो होंगे, उसके बाद ये जो है एक्स आ जाएगा इनके ऊपर, ये आप देख रहे हैं। और आपने 10 जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, और उनका जो टोटल है वो लेस देन 50 होना चाहिए, ऊपर टाइम चल रहा है, कम से कम टाइम में आपने वो सिलेक्ट करने हैं। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मैंने गलत जो है वो कर लिए हैं, अभी ये गेम रिफ्रेश होगी तो मैं दोबारा देखता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। दोस्तों जब तक डेट है आपने ट्राई करता रहना है, और जो सबसे कम टाइम होगा वो काउंट होगा। तो ये जो है मैं यहाँ पे बॉक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, फिर जो है दोबारा 50 से अबव चले गए हैं। अच्छा अब दोबारा मैं ट्राई करूंगा। तो दोस्तों जो आपका जब आप बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और वो 50 से उनका टोटल नीचे होगा तो आप विन कर जाएंगे। तो देखें आप, ये मैंने जो है सॉल्व कर लिया है, तो ये मेरा टाइम सेंड हो जाएगा, तो ये टाइम सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और अब जो है मैं थर्ड गेम के लिए अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, ये पॉप अप डेजर्ट है, ऊपर मैजिक सर्कल थी, ऊपर मैथ एक्सपर्ट था, यहाँ पे पॉप अप डेजर्ट है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए भी ट्राई करता हूँ, ये पेमेंट आईडी में सेंड कर रहा हूँ। अब जो है मैं इसको अप्रूव कर दूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने अप्रूव कर दिया है, तो मैं सर्वर पे बैठा हूँ, तो आपकी रिक्वेस्ट भी जल्द से जल्द जो है अप्रूव कर दी जाएगी। अब ये थर्ड गेम है तो मैं इसको प्ले करता हूँ, ये थर्ड टूर्नामेंट की गेम है, हर टूर्नामेंट के लिए आपको पे करना होगा। अब जो है ये सर्कल्स डिफरेंट शो होंगे, तो ये 70 टाइम जो है आपको वो सर्कल जल्द से जल्द क्लिक करने हैं, तो सबसे जल्द जो बंदा ये करेगा वो विनर लिस्ट में आएगा। मैं इसको अब एग्जिट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स, यहाँ पे टोटल प्लेयर 5 होने हैं, उनमें से एक प्लेयर हो चुका है। जब ये 5 हो जाएंगे तो ये जो प्ले अप्लाई का बटन है वो बंदा, आप कोई भी बंदा अप्लाई नहीं कर पाएगा, फिर सिर्फ खेल रहे होंगे जो भी बंदे, यानी कि 5 प्लेयर जो हैं वो खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट को। तो डिफरेंट एंट्री फीस है इनकी, आप जो है वो कोई भी फी सिलेक्ट करके, कोई भी टूर्नामेंट सिलेक्ट करके आप फी पे कर सकते हैं, और आपको जो है पेमेंट की